हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत फिट होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे पेरेंट्स का नाम हो जाए, है ना। हैप्पी संडे। वैसे संडे ही एक ऐसा एक दिन होता है जहाँ पर जिस दिन मैं अपने आप की थोड़ी सी केयर करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, थोड़ी सी करती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मे भी स्कार्फ नहीं पहना है तो आज मेरा फेस कुछ अलग अलग दिखेगा। बट स्कार्फ नहीं पहनने का एक रीज़न है कि मैं यहाँ पे आपको एक मेरी एक जो ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं कहेंगे, जस्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर को हेल्दी रखने के लिए। तो शायद आप भी करें तो आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके जो इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, वो शायद मे भी अब ना टूटे, है ना। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये सब आप देख ही रहे हो कि ये एलोवेरा है। मैं वो क्या बोलते हैं, वो मार्केट में मिलता है रेडीमेड, वो एलोवेरा यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे को उस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं, वो सब केमिकल है एक्चुअली ना। हमेशा नहाने के बाद, मतलब नहाने के बाद गीले बाल होते ना, तभी हमें तेल डालना चाहिए। उसका क्या रीज़न पता है कि जब भी है ना, जब भी हम कोई एक झाड़ को पानी डालते हैं, पौधे को पानी डालते हैं, तो वो कैसा खिल जाता है, वो पत्ते वापस ग्रीन आने लग जाते हैं। लेकिन हम 3-4 दिन पानी नहीं डालेंगे और ऐसे ही रहने देंगे तो वो सूख जाते हैं और पत्ते गिरने लग जाते हैं। वैसे ही हमारे हेयर है, हमारे रूट्स में पानी पानी तो जाएगा, हेयर वॉश करेंगे तो वो पानी जो अंदर इंसर्ट होता है, वो पानी के बाद जो हम ऑयल लगाते हैं तो वो इजीली इंसर्ट हो जाता है ऑयल भी, और हेयर मजबूत हो जाता है अंदर से। दैट्स वाई मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा जब भी मतलब हेयर वॉश करे तो उसके बाद तुरंत ही नहीं, 10 मिनट के बाद। मैंने 10 मिनट तक बाल ऐसे ही रहने दिए थे, 10 मिनट के बाद आप अपना आप ऑयल लगाए, जो भी लगाए। बट मैं हमेशा क्या करती हूँ, हेयर वॉश करने के बाद 10 मिनट बाल को ऐसे ही रहने देती हूँ, थोड़े सूख जाते हैं, थोड़े गीले गीले रहते हैं। तो उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सिर्फ है ना स्कैल्प पे ऐसा जस्ट थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगा लेती हूँ। तो वो जो गीले गीले बाल होते हैं तो उसमें क्या रहता है, वो मतलब जो विटामिन्स मिलने के रहते हैं इसमें से, एलोवेरा में से, वो इजीली गीले बाल में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और हमेशा याद रखें कि ऑयल के साथ एलोवेरा लगाने से आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएगा। हाँ, मेरे हेयर बहुत लॉन्ग नहीं है, उसका रीज़न मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत बार वो क्या बोलते छोटे मोटे कराए। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि लास्ट ईयर मैं पुलिस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे बाल बहुत ही छोटे रखने थे, क्योंकि कंपलसरी वहाँ पे रनिंग वनिंग होता है, तो बहुत ही वो हो गया था, तो मेरे हेयर इतने छोटे हो गए थे। तो वो पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मैंने अपने हेयर को बहुत ही मतलब कुर्बानी दी है हेयर की। तो अभी तो नहीं, मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। तो क्यों नहीं कर रही हूँ, उसका एक रीज़न है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, और दूसरी बात कि यस, मैं अभी अब्रॉड स्टडी के लिए इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूँगी, एंड मैं फिर देखते हैं लाइफ में ऐसा कुछ तो करेंगे कि जिससे पेरेंट्स का नाम हो जाए ना। और हमेशा एलोवेरा लगाने के बाद भी आपकी जो फिंगर्स है, इससे आप कुछ ऐसा करें तो वो जो अंदर हमने एलोवेरा जो ये रूट्स में लगाया, वो थोड़ा तो अंदर जाए। मैं हमेशा कहती हूँ सीरियसली, अपने आप की थोड़ी तो फिक्र करिए करिए सीरियसली। मैंने ये जो अपने हेयर है ना, ये सिर्फ 8 महीने में इतने बड़े किए, बाकी तो मेरे हेयर इतने ही थे, ये 8 महीने में इतने माशाल्लाह बड़े किए। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। मैं संडे संडे केयर करती हूँ, यस मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती अपने आप की, बट यस संडे संडे तो मैं करती ही हूँ, एंड उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने फेस की केयर करती हूँ। हाँ, मैं इतनी गोरी नहीं हूँ, मैं वो क्या बोलते इतनी फेयर स्किन नहीं है मेरी, बट यस थोड़ी सी केयर वेयर हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है बट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी हो जाती है। और हमेशा याद रखे कि ऑयल लगाने से पहले बिस्मिल्लाह बोले, बिस्मिल्लाह बोलोगे तो सारे काम अच्छे ही होंगे और आपके जो हेयर फॉल है हो रहे वो कम हो जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर। तो ये जो मैं ट्रिक्स दे रही हूँ, ट्रिक्स तो नहीं है शायद, ये मैं फॉलो करती हूँ तो शायद आप भी फॉलो करें, तो यस हो सकता है। वैसे हर बार मैं ऑयल लगाने से पहले एलोवेरा लगाती हूँ, ये कंपलसरी, तो हेयर फॉल भी नहीं होते। एंड वो जो है ना, जब ऑयल लग जाता है उसके बाद जो ये दोनों का मिक्सअप होता है ना, एलोवेरा और ऑयल,
तो हेयर एकदम स्मूथ हो जाता है एंड बहुत इजीली मतलब बहुत इजीली फ्लो करते हैं इधर उधर, तो वो मुझे बड़ा ही पसंद आता है कि यस। बट मैं इतने हेयर खुले नहीं रखती हूँ, ये सच है। बट फिर भी स्कार्फ के अंदर भी मुझे अपने हेयर बहुत ही पसंद है, तो यस। और कभी और अगर आप ऐसे नहीं लगा पाते हो ना ऑयल, तो आप क्या करें, कॉटन कॉटन यानी कि रुई वो ले ले, तो ऐसे करके भी आप लगा सकते हो। बट मैं हमेशा से ऐसा ही करती हूँ। बट इसके साथ वो क्या बोलते हैं, वो ये है, ये वाला मुझे दिया गया है ये ऑयल के साथ, तो इसमें कर सकते हैं। बट मुझे नहीं फाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चला जाता है और मैं इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाती। मैं सबसे ज़्यादा एलोवेरा ही लगाती हूँ। ऑयल में बहुत कम लगाती हूँ मैं, बहुत कम, बट मैं रूट्स में ही लगाती हूँ। मैं अपने नीचे के हेयर में कभी भी ऑयल नहीं लगाती हूँ, ये सच है। हमेशा याद रखें कि अपने आप की जितनी केयर करोगे ना, उतना खुद अपने आप को पसंद आओगे। मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, मैं सच में मैं अपने आप की बहुत ज़्यादा फेवरेट हूँ, ये सच है। एंड यस, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। ये चीज़ें कुछ है मैं बताती हूँ, फॉलो करिए अपनी लाइफ में। मैं गारंटी देती हूँ कि है ना, लास्ट व्लॉग भी मैंने बताया था स्किन के रिलेटेड, शायद नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। बट अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें फॉलो करिए ताकि आपके आपके हेयर जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो भी रुक जाए। एंड दूसरी बात कि खुद से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप खुद अपने आप को आपकी केयर करोगे, आप खुद इतने अच्छे लगोगे। हम तो अच्छे ही हैं, बस हम अपने आप की केयर नहीं करते इसलिए अच्छे नहीं है। एंड शायद नेल्स आपको बड़े दिख रहे होंगे, उसका रीज़न है कि लड़कियां जब मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अभी सब समझते ही हैं, तो वो 7 दिन के बाद ही ये हेयर कट करने रहते हैं। तो आज इंशाल्लाह अभी मैं कट कर लूँगी। ओके सो या अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हेयर सीरियसली बोलूँ ना तो मेरे हेयर में एक दिन बताऊँगी आपको। ये तो गीले हैं इसलिए शायद मे बी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट एक दिन मैं आपको बताऊँगी कि कितने मतलब अच्छे हैं। यस, तो ये कितने अच्छे हैं मैं एक दिन बताऊंगी आपको, जब हेयर मतलब हेयर सूखे होंगे और एलोवेरा और ऑयल भी लगाया होगा उस दिन, तो उस दिन वाले हेयर में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। और ये एलोवेरा बचा है तो इसका कुछ नहीं करे तो कुछ ना करे, फेस पर थोड़ा सा तो घसी ले, क्योंकि संडे है। संडे तो मैं अपने आप की सीरियसली बोलूँ ना, तो मैं अपने आप की बहुत ही केयर करती हूँ। मेरी मम्मा खुद बोलती है कि ओ भाई क्या क्या लगा के बैठ गई। एंड बस यही कि मैं अपनी स्किन की बहुत केयर करती हूँ। एंड यस, मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा गोरी नहीं हूँ, मुझे भी पिंपल होता है। एंड यस, नॉर्मल चीज़ें हैं ये। बट यस, जब हम अपने आप की इतनी केयर करेंगे ना, तो हम खुद अपने आप को बहुत पसंद आने लग जाएंगे। लेकिन हम अपने आप की केयर ही नहीं करते, हम जस्ट यही कहते हैं मुझ में ये खामी है, मुझ में वो खामी है, ये गंदा है, वो गंदा है। अल्लाह ने हमको अच्छा ही बनाया, जस्ट हम उसकी कदर नहीं करते, हम अपने आप की भी कदर नहीं करते, तो हम लोगों की तो क्या ही करेंगे ना। तो ये बात है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट कि जितने अच्छे आप हो, बस आप अच्छे हो। लोगों का मत देखिए कि कौन कैसा है, वो उसकी स्किन इतनी अच्छी है, वो तो इतनी अच्छी है, वो तो वो है, वो तो वो है। आप बेस्ट हो। एंड यस, आप बेस्ट हो, ये मान के चले, है ना। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही संडे वाले रूटीन व्लॉग्स में इंशाल्लाह लाती रहूँगी कि मैं क्या करती हूँ संडे के दिन। मैं कभी कभी बहुत अच्छा खाना भी बना लेती हूँ संडे के दिन। मैं संडे के दिन सैंडविच भी बना लेती हूँ, वो रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी, है ना। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये हेयर फॉल रुकने का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ये मेरा खुद का है। कई लोग एलोवेरा और ऑयल को गरम करके फिर लगाते हैं, ये भी अच्छा है। बट मैं ऐसा कच्चा ही लगा देती हूँ, एलोवेरा को ऐसे बाल में ही लगा देती हूँ। मैं इतनी मेहनत नहीं करती क्योंकि वक्त नहीं मिलता है, दैट्स वाई। अभी जस्ट मैं ट्यूशन क्लास से आई हूँ और बस फिर नहाया फिर एंड ऑल 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 ऑल। अभी सुबह के बजे है सिर्फ 12 और मैं सुबह 10 बजे ट्यूशन गई थी। ऑलमोस्ट मैं सोई थी सुबह के 6 बजे, पूरी रात मैंने जागी है, या आंखें देख ही सकते हो नींद में है अभी भी, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड आप लोग
बहुत प्यार सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हम साथ में जुड़े रहेंगे एंड हमेशा आप मुझे इतना ही इससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट करोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा एंड हैप्पी संडे।